अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब ये है तीसरी वीडियो चैप्टर 13 की कंट्रोल लेजर की। इसके अंदर बेसिकली हम ज़्यादातर बात करेंगे डिस्क्रीपेंसीज से रिलेटेड। अच्छा, डिस्क्रीपेंसीज का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीपेंसीज का मतलब होता है गलतियाँ या डिफरेंसेस। ये गलतियाँ या डिस्क्रीपेंसीज हो सकती हैं, एरर कैन हैपन। अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है तो ये एरर होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि कंप्यूटराइज सिस्टम अब इतने हो गए हैं, आपके सॉफ्टवेयर इतने मिच्योर हो गए हैं कि वो आपको गलती करने नहीं देते। गलतियां कैसे हो सकती हैं, डिस्क्रीपेंसीज कैसे हो सकती हैं? कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आपने जो है वो टोटलिंग मिस्टेक कर दी हो डे बुक के अंदर। हो सकता है आपने टोटलिंग मिस्टेक कर दी हो फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू सेल्स टैक्स कैलकुलेशन में। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने पोस्टिंग जो है ना वो गलत कर दी हो, ठीक है। इनकरेक्ट पोस्टिंग की वजह से भी मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, तीसरा रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल देयर मे बी एन एरर जो कि ट्रांसफ़र करने में बैलेंसेस जो है ना उसमें गलती हो जाए या बिल्कुल ही भूल गया। दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना। आप ट्रांसफ़र करने गए, आपने किसी और के अकाउंट में डाल दिया या बिल्कुल ही भूल गए, किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट या सप्लायर का अकाउंट आपने डाला ही नहीं, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एरर इन द डे बुक जो है वो उसमें क्या क्या होता है, ये उसका पता कैसे चलता है? ये कंट्रोल वैल्यू जो हम कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं उनके थ्रू बंद पता चल जाता है। और हम इसको पहले जब पता चलता है हम वेरीफाई करने के लिए, सबसे पहले हम इसका सेल्स डे बुक और इनवॉइस चेक करते हैं कि हमने क्या एंट्री की है और कहाँ से ये एंट्री जनरेट हुई है। और हम ये करते हैं कि हम जितनी भी डे बुक की टोटलिंग होती है ना, एहतियातन उस दिन की सारी चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई और मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अच्छा, अब इसके अंदर करेक्शन करने के लिए क्या ये सिंपल एंट्री पास कर लेंगे। अगर हम लोगों ने कम डाला है तो अकाउंट उसके ऊपर डेबिट, सेल्स क्रेडिट अगर ज़्यादा डाला है तो रिवर्सल पास कर देंगे। मैं अपनी क्लासेज में बार बार बताता हूँ एक बार कि सेल्स अनटिल अनलेस एरर हो डेबिट नहीं हो सकता। ये वो केस है जिसके अंदर सेल्स डेबिट हो सकता है, क्योंकि ये एरर है, एरर इन द डे बुक टोटल, ठीक है। अच्छा जी, इनकरेक्ट रिसीवेबल लेजर एंट्री, कॉपी करने में 384 की जगह 348 लिख दिया, 360 की जगह 306 लिख दिया, इससे भी एक एरर जनरेट हो जाता है। और इस एरर को भी हमें एक इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करके दूर करना पड़ता है। ये भी कंट्रोल अकाउंट से ही आइडेंटिफाई होगा, लेकिन ये इंडिविजुअल कंट्रोल अकाउंट से हम वेरीफाई करने के अंदर कर सकते हैं। अगर हमें रिसीवेबल रिड्यूस करना है तो हम अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस कर देंगे और डेबिट सस्पेंस अकाउंट करेंगे, क्योंकि एक एंट्री तो सही थी, दूसरी एंट्री गलत थी। जब दूसरी एंट्री गलत है अकाउंट रिसीवेबल वाली और पहली सही है, तो हम पहली एंट्री को छेड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छेड़ सकते? अगर हम छेड़ेंगे तो पूरा हमारा ट्रायल बैलेंस फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल के सिर्फ बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। अब इसके अंदर भी वही बात है कि अगर हम लोगों ने दो चीज़ें हो सकती हैं ना, कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे एंट्री करनी थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, और मैंने एंट्री कर दी अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट कर दिया, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और बैंक डेबिट, मैंने अकाउंट रिसीवेबल को भी डेबिट कर दिया और बैंक को भी डेबिट कर दिया, दोनों केसेस में मैंने दोनों डेबिट कर दिया। अगर मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर इतना मैच्योर है तो वो आइडेंटिफाई करके मुझे एंट्री पास ही नहीं करने देगा, लेकिन सिंस मेरा सॉफ्टवेयर इतना मैच्योर नहीं था तो उसने एंट्री पास करने दी। जब ये एंट्री पास हो गई तो सिंस अब बैंक की एंट्री तो सही गई है लेकिन दूसरी एंट्री गलत हुई है, तो हम इस केस में सस्पेंस अकाउंट की एंट्री पास करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे हम सस्पेंस अकाउंट को। अच्छा जी, कस्टमर ओमिटेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ बैलेंस, हमने किसी बंदे को कस्टमर या सप्लायर दोनों में से किसी एक को भी लिस्ट से ओमिट कर दिया, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम इसलिए जनरेट हो जाएगा कि ये ट्रायल बैलेंस में सेल्स आ रही होगी लेकिन इसके अगेंस्ट रिसीवेबल नहीं आ रहा होगा, तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है, तो हमें ये भी रेक्टिफाई करना पड़ सकता है। अच्छा, एक और एरर ऐसा है जो कि मोस्टली जो है वो सप्लायर सिनेरियो में होता है, कि जो हमें डिस्काउंट मिला हमने उसकी या तो गलत एंट्री पास कर दी, हमने डिस्काउंट रिसीव की जगह डिस्काउंट गिवन दे दिया, डेबिट की जगह हमने क्रेडिट की जगह इसको डेबिट कर दिया, या डेबिट की जगह हमने इसे क्रेडिट कर दिया, इनकरेक्ट एंट्री पास हो गई, अमाउंट गलत हो गई, फॉरगेटिंग टू एंटर डिस्काउंट रिसीव डालना ही भूल गए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा,
इसके लिए हम सिर्फ जो अगर एक एंट्री सही है और दूसरी गलत है तो हम सस्पेंस अकाउंट का अगेंस्ट इसकी करेक्ट एंट्री पास कर लेंगे। इन केस ऑफ ओमिशन अगर भूल गए सप्लायर में तो अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, इन केस ऑफ एरर सप्लायर में अकाउंट्स पेबल विद एरनस अमाउंट जो भी अमाउंट गलत है उसको डेबिट कर दिया या क्रेडिट कर दिया डिपेंडिंग ऑन द केस, से में परचेज डेबिट या क्रेडिट कर दिया, वो ये वो वाला केस है जिसके अंदर परचेज क्रेडिट हो रहा है, ये उसी सूरत हो सकता है जब एरर है। इन केस ऑफ एरर, इन केस ऑफ एरर इन सप्लायर अकाउंट क्या होगा, वन एंट्री विल बी मेड टू द करेक्ट टू करेक्ट द मिस्टेक और दूसरी विल बी इन सस्पेंस अकाउंट। जैसे केस था उसके अंदर सप्लायर के अंदर कस्टमर के अंदर सॉरी सप्लायर में नहीं, ठीक है। अच्छा चलें, अब मैंने आपकी तीनों वीडियोस बना दिया, आपका चैप्टर 13 ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह आप लोग ये तीनों वीडियोस देखें और प्रैक्टिस करें। मैं आपको लेटर ऑन जो है वो और वीडियोस अपलोड करूँगा। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।